यार ये एक अलग ही तरीके के साउंड आ रही है यार यहाँ से। सो हेलो गाइस, आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज बलून के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज बलून के साथ भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो प्रेशर पे होगा कि क्या ये बलून जो है पानी में फूल सकता है क्या, जब हम इसको बाहर फुलाने की कोशिश करते हैं तो कोई इस पर कोई एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा खासा कोई प्रेशर लगता नहीं है, केवल एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो क्या ये पानी में फूल पाएगा क्या? तो आज हम इसी पे आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम पानी के अंदर करेंगे, एक ज़्यादा पानी की जो पानी का तालाब होता है बड़ा सा उसमें हम लोग आज करने वाले हैं। तो क्या इस पानी के अंदर ये फूल पाएगा कि नहीं फूल पाएगा, हम इसको आज टेस्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, गुब्बारे को क्या करेंगे, हम पानी के नीचे डुबोएंगे, फिर उसको हम फुलाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे क्या ये गुब्बारा अंदर फूल पाता है कि नहीं फूल पाता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो हमारे पास एक हमने एक जुगाड़ बनाया, क्योंकि हम डायरेक्टली पानी में तो मुंह लगा के फुला तो नहीं सकते, हमने एक जुगाड़ बनाया है और बलून को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है और फिर इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं कि क्या ये फूल पाता है कि नहीं फूल पाता है। बोले सबसे पहले हम पानी के अंदर इंटर करते हैं, यार बहुत गाई है, और पहले इसको हम नीचे डालते हैं और क्या देखते हैं अब क्या ये फूल पाता है नीचे की तरफ कि नहीं। ये बाहर की ओर निकल जा रहा है यार, ये बड़ा टफली है, ये पानी में किसी चीज़ को फुलाना बहुत टफ है यार। माय गॉड, ये काफ़ी मतलब प्रेशर भी ले रहा है यार, ये जिस तरीके से बाहर ये फूल जा रहा था उस तरीके से ये बाहर फूल नहीं रहा है। ये बार बार बाहर की ओर आना निकल जा रहा है, यानी कि हम इसको नॉर्मली मुंह से बड़े से गुब्बारे को पानी के अंदर डालकर तो नहीं फुला सकते फिर, लेकिन हमको इसको तो फुलाना तो है ही। इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसमें हम कोई पंप लगा करके इसको प्रेस करते हैं, तब देखते हैं क्या ये फूल पाता है कि नहीं फूल पाता है। और इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको बांध करके नीचे एक ईंट की वजह से बांध के नीचे डाल देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। राइट, ओके। सो पहले इसको हम एक ईंट से पहले टाइट करके नीचे डुबो देते हैं पहले, क्योंकि ये गुब्बारा बार बार ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि जब भी हम इसमें हवा देंगे तो ये ऊपर की ओर उठता जाएगा। पहले इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इससे। राइट, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ये इसकी डंडी टूट गई, ये पीछे का इसका बूट टूट गया, आई थिंक ये इतना फिर भी ये फूला नहीं, ये फूल नहीं पा रहा है क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है बहुत काफ़ी है यार। हमें लग रहा था कि पानी के आसानी से ये फूल सकता है बट ये फूल नहीं पाया, बिकॉज ऑफ मतलब पानी का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी सारे मात्रा में पानी है, तो आई थिंक इसका प्रेशर दबाव ज़्यादा है,
हम एक बार और ट्राई करते हैं क्या खुल सकता है, क्या कि ये टूट चुका है तो हम दूसरा चेंज करके इस पर अलग गुब्बारा लगा करके एक बार अगेन लास्ट टाइम करते हैं अंदर गहराई में डाल करके क्या ये फूल सकता है कि नहीं फूल सकता, राइट। सो नेक्स्ट गुब्बारा पहले चेंज करते हैं यहाँ पे। सो गाइस हमने दूसरा गुब्बारा लगा लिया है और बस ट्राई करते हैं कि ये फूल जाए, अंदर जा करके फूल जाए। और जिसके लिए हम लोग आए थे वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया यार, क्योंकि ये बड़ी छोटी सी बात है कि गुब्बारा पानी में फूल सकता है कि नहीं फूल सकता है, बट मेरे हिसाब से यार ये अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बड़ा टफ ही है, बड़ा टफली है। सो इसको पहले हम लोग डालते हैं पानी के अंदर, यहाँ पे काफ़ी गहरा है सो इसको हम डाल देते हैं पानी के अंदर, ये चला गया पानी के अंदर। ओके, और फिर अपने इसको पंप में कनेक्ट करके फिर देखते हैं क्या ये नया वाला खुल सकता है क्या। ये जितना आसान दिखता है लेकिन ये इतना आसान है नहीं यार खुलना पानी में, क्योंकि ये पूरे पानी को हटा रहा है, जितना गुब्बारा फूल रहा है उतना पानी को हटा रहा है, तो इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी प्रेशर लग रहा है यार यहाँ पे, बट आई थिंक ये फूल सकता है अगर अगर हम प्रेशर का यूज़ करें, अगर इसी पंप का यूज़ करें देन ये फूल सकता है। तो लेकिन यार इतना आसान नहीं है। तो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट है ये सही रहा यार, क्योंकि हम जो देखते हैं कि जो हम नॉर्मली गुब्बारा बाहर की ओर फुला लेते हैं बड़े आसानी से, लेकिन अगर से हमको पानी में फुलाना चाहें तो नॉर्मली मुंह से तो नहीं फुला सकते, इसके लिए किसी पंप पंप की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रेशर देने की ज़रूरत पड़ती है तब ये फूल सकता है। लेकिन ये फिर भी फूलने के बावजूद भी ऊपर की ओर उठना चाह रहा है, क्योंकि जहाँ पे इसको गैप ऊपर की ओर निकलना चाह रहा है। तो यार एक्सपेरिमेंट मतलब इससे हमको यही प्रूफ होता है कि पानी का जो दबाव होता है काफ़ी ज़्यादा है, और हर जगह होता है, जो गोताखोर जब नीचे जाते हैं बोलते हैं ना बहुत सारे गट में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है, तो इसके कारण ये भी ये छोटे से जगह पे भी ये चीज़ हम देख सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है किसी चीज़ का, किसी पानी में कितनी पावर होती है, हम इस चीज़ को जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच यार।